सबर डैम का संगे बनियान 13 जनवरी को रखने का ऐलान विभाग के वजीर फैसल रावड़ा का कहना है, कुछ लोगों के मनफी एजेंडे की वजह से आज तक डैम नहीं बन सके, किसी दबाव में नहीं आएंगे, पूरी तवज्जो से अपना काम जारी रखेंगे। टेस्ट कॉर्नर अब्दुल रजाक दाऊद के हवाले से गलत फहमियां पैदा की गई, किसी का जाति मुलाजिम नहीं, जेल से आने वाले सवाल करे ऐसा नहीं होगा, सहाफी से बदतमीजी पर सहाफियों का फैसल वाडा की न्यूज कॉन्फ्रेंस का बायकॉट, विफा के वजीर माफी मांगते रहे फिर न्यूज कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। काबीना का 172 अफराद के नाम ECL से फौरी ना निकालने का फैसला, मामला काबीना कमेटी को भेज दिया गया, वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी और कानूनी माहिरीन की वजीर आजम को ब्रीफिंग। कराची कुरंगी में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, लोगों की तरफ से मुजाहमत का सामना, खातून KDA की गाड़ी के सामने दोहाई, कहा तरीके इंसाफ को इसलिए वोट नहीं दिए कि बेघर और बेरोजगार करे। ये कैसे वजीरे आला हैं कि जिनका तारुफ कराना पड़ता है वो भी शहबाज शरीफ के नाम से। शहबाज शरीफ का नाम लोगों के जहनों में नक्श, चौलिस्तान में पंजाब के वजीर खुराक ने वजीरे आला पंजाब उस्मान बुज़दार का तारुफ इस तरह कराया कि शहबाज शरीफ का हवाला देना पड़ गया। नवाज शरीफ की सजा कम है बढ़ाई जाए, नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी, फ्लैगशिप रेफरेंस में साबिक वजीर आजम के बरियत का फैसला भी चैलेंज। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा मौतली की दरख्वास्त पर एतराज लग गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वापस कर दी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के मिनिस्टर इनक्लेव में तिब्बी मुआयना, MRI रिपोर्ट का जायजा, डॉक्टरों का शहबाज शरीफ को सोने के लिए नरम तकिया इस्तेमाल करने का मशवरा, कमर दर्द के लिए अद्वियात तजवीज की। सिंध में इम्तिहानात और छुट्टियों का शेड्यूल बदलने का फैसला, अब इम्तिहानात 20 मार्च से 30 अप्रैल तक, छुट्टियां 1 मई से 30 जून तक होंगी। महकमे तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का स्कूल्स और कॉलेजेस में योम कश्मीर, योम पाकिस्तान, योम शहादत, योम लतीफ, योम ईद मिलादुन नबी और कायद आजम का योम वफात जोशो खरोश से मनाने का फैसला। मुल्क के कई इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन, गुद्दू थर्मल पावर हाउस, बलोकी, निशाद, चूनिया पावर प्लांट ट्रिप कर गए, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के कई शहरों में बिजली की फराहमी मौतल, लाहौर में 477 फीडर बंद, हर घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। डैम कॉन्ट्रैक्ट वजीर आजम के मुशीर अब्दुल रजाक दाऊद के बेटे की कंपनी को क्यों दिया, पीपल्स पार्टी ने मामला नैब को भेजने का मुतालबा कर दिया, शहरे रहमान का कहना है 300 अरब का ठेका डिस्कॉम को दिया गया, ये खुला मुफादात का तजाद है। और पंजाब में अखराजात घटाने की तलवार छोटे अफसरों पर चल गई, बड़े अफसरों की मौजें, सरकारी अफसरों के पेट्रोल कोटे में 25% कमी कर दी गई, सूबाई वुज़रा और सेक्रेटरियों को छूट मिल गई।